सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो इन टूटो वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि यार आज की इस टूटो वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाली फोटो एडिटिंग, मतलब दबंग 3 की पोस्टर एडिटिंग करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यार मेरे स्टॉक्स मतलब बैकग्राउंड एंड PNG को डाउनलोड करने से आपकी एडिटिंग नहीं होगी, आपको मेरे स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, तब आप मेरी तरह फोटो एडिटिंग कर सकते हो। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है गाइस, तो सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक आपको मेरे स्टॉक्स को डाउनलोड करना आता ही होगा, मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सोच लीजिए गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद गाइस, सिंपली आपको ऐड कर लेने हैं इस बैकग्राउंड को। तो ऐड कर लोगे, उसके बाद गाइस सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड अपना मॉडल फोटो को ऐड कर लेंगे। तो मैंने अपना मॉडल फोटो नहीं बल्कि मॉडल PNG को ऐड कर रहा हूँ। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता अपनी मॉडल फोटो की, तो सिंपली गाइस मेरे इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताया हूँ, और इसमें अगर एडिट करो मतलब बैकग्राउंड इरेज करोगे गाइस, तो आपकी फोटो काफ़ी अच्छे से होगी एंड इजी तरीके से होगी, और आपकी फोटो की क्वालिटी नहीं घटेगी। जैसे पिक्सार्ट में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा घट जाता है आपकी पिक्चर की क्वालिटी। तो गाइस मॉडल को इस तरह से सेट कर लेना है। एंड गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इफेक्ट्स पे जाना है, और इफेक्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हो कलर वाले ऑप्शन, एंड इसमें सिंपली ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड इरेजर को प्रेस करेंगे, देन इस वाले आइकन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद सिंपली आपको जूम कर लेना है एंड अपने थोड़ा सा फेस पे जो थोड़ा सा लाइटिंग चमक देना है समझो। तो पहले सेटिंग कर लेता हूँ ब्रश की, एंड इस तरह से आपको लाइट देना है। सो ये हो गई, देन आपको इसे डन कर देना है एंड आपको अगेन इफेक्ट्स वाली ऑप्शन पे आके सिंपली ब्राइटनेस पे आ जाना। एंड अब आपको इसे थोड़ा सा कम कर देना है, क्योंकि मेरी फोटो की जो थोड़ा ब्राइटनेस है बहुत ही ज़्यादा है, तो उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सो कम करने के बाद इसे डन कर देंगे, और आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है, एंड प्रेस करने के बाद इस वाली PNG को ऐड करेंगे, और इसे आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है, एंड अगेन आपको मतलब ये दूसरी वाली PNG है उसे ऐड करेंगे एंड कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। देन अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके आपको इस PNG को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस सिंपली आपको स्क्रीन मतलब ब्लेंड पे आ जाना एंड इसे स्क्रीन मोड कर लेना, देन इसे इस तरह से सेट कर लेना, मतलब एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। और जो दबंग 3 वाली लोगो टाइप से है उसे इस तरह से हम ऐड कर लेंगे एंड एडजस्ट कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको सिंपली एडजस्ट कर देना है, और इसमें सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है। तो ये हो गया, एंड इसे डन कर देंगे। एंड गाइस एक PNG बच गया, तो उसे मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो को प्रेस करके, और मैं इसे नीचे पे इस तरह से सेट कर लूँगा। तो ये कुछ कुछ लिखा है, तो जैसे कि पोस्टर आर्ट में रहता है उस तरह से मैं अभी इसे डाल दिया हूँ। सो इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद आपको ड्रा वाली ऑप्शन को ओपन कर लेनी है, एंड गाइस सिंपली आपको इसमें अपना फोटो को सेव कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेव करने के बाद सिंपली फोटो लाइटरूम ऐप को ओपन करोगे और अपना फोटो को ऐड कर लेना जो अभी पिक्सार्ट ऐप पे सेव किए थे। देन आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले इस ऑप्शन पे आ जाना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। जैसे मैं अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ, आपके फोटो के भी हिसाब से करना जरूरी है, क्योंकि आपकी फ़ोटो लाइट कम होगी ज़्यादा होगी, आपको अपने हिसाब से मेंटेन करनी है। तो लाइटरूम अगर यूज़ करना जानते हो गाइस अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मेरी तरफ फॉलो कर सकते हो। सो गाइस इतना कर लेने के बाद मैं आ जाऊँगा ये वाले ऑप्शन में, एंड इसमें सिंपली मैं क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर लूँगा एंड वीकनेट को मैं रहने देता हूँ इसे ऐसे ही, ठीक है। देन मैं कलर्स वाले ऑप्शन पे आके सिंपली सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा एंड वाइब्रेंस को भी इंक्रीज़ कर लेंगे, एंड टाइम को देख लेते हैं, तो इसे मैं 2 या 3 पे रख लूँगा। सो ठीक है, देन मिक्स टैप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आपको अपने फ़ोटो के हिसाब, मतलब जैसे मैं अपना फ़ोटो के हिसाब से कर रहा हूँ मेरा शर्ट के कलर को देख के, तो उस तरह आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है, या मेरी तरफ भी कर सकते हो गाइस, आपकी फ़ोटो अच्छी दिखेगी।
तो ये होने के बाद इसे मैं कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद अगेन आप लाइट वगैरह को करेक्शन कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा इसमें और चेंजेस ला के देख लेता हूँ। सो इस हमारी फोटो अच्छी तरीके से बन चुकी है, तो इसमें और कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना फोटो को इस तरह से सेव कर लेना है।